यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भक्ति वचन के संस्करण में आपका स्वागत है। आज रोमी के पत्री के दूसरे अध्याय का पांचवा और आखिरी दिन है और आज हम रोमियो 2:17-29 देखेंगे। हम देखेंगे कि रोमियो का दूसरा अध्याय दो व्यक्तिगत चुनौतियों के साथ समाप्त होता है। इस पूरे अध्याय में हमने बात की दोष लगाने और फैसला सुनाने की प्रवृत्ति के बारे में, जो साफ दिखाई देता है जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, जबकि खुद के पापों को हम अनदेखा करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास लोगों का न्याय करने का परमेश्वर से बेहतर उपाय है, जबकि अपने पापों को लेकर हम खुद के हमारे हृदय कठोर रहते हैं। हमने यह भी देखा कि हम खुद दोष लगाकर फैसला न करने के स्थान पर परमेश्वर पर उसके न्याय के लिए भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वह पूरी सच्चाई को जानता है, वे तथ्यों के आधार पर कर्मों पर न्याय करता है, वह भेदभाव के बिना, पक्षपात के बिना न्याय करता है, और वह यीशु के द्वारा न्याय करता है, अपने सुसमाचार के हिसाब से न्याय करेगा। अब दो व्यक्तिगत चुनौतियां हैं जो इन सच्चाइयों पर आधारित हैं। पहली चुनौती है कि क्या आप खुद के पाप छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ते हो, और दूसरी चुनौती है क्या आप विश्वास को किसी चिन्ह से आपने बदल लिया है। पहले बात करते हैं क्या आप अपने पाप को छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ते हो। मैं आपको रोमियो 2:17-24 आयात पढ़कर सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, पौलुस बोल रहा है, यदि तू यह कहलाता है तो तू क्या करता है। सुनिए 17 आयात से, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुवा और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों को सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न कर, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। ठीक है, रोम में यहूदी विश्वासी भी थे, यहूदी यीशु मसीह के विश्वासी यहूदी थे और अन्य जाति के भी थे, और जब यहूदी थे वे अपने आप को अन्य जातियों से आए विश्वासियों से बेहतर समझते थे, अन्य जातियों के विश्वासियों पर दोष लगाते थे। तो पौलुस इस शास्त्रांश में उन लोगों से बात कर रहा है। संक्षेप में बोले तो पौलुस कहता है, यदि तू अपने आप को यहूदी कहलाता है और उस वजह से तेरे पास आध्यात्मिक विशेषाधिकार है जो यहूदियों के पास थे, जैसे परमेश्वर को जानना, उसकी व्यवस्था की शिक्षा पाना और परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होना, यदि उनके पास यहूदी होने के नाते ये सारे विशेषाधिकार थे तो उनके जीवन में इसका क्या प्रमाण दिखाई पड़ता है। और यही सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। हम जो यीशु मसीह के विश्वासी कहलाते हैं, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप कहते हैं आपका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता है, वह आपका पिता है, आप परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, तो क्या यह सब आपके जीवन में दिखाई पड़ता है? क्या आप विश्वास के सहारे जी रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है, जो इस विश्वास आपके आज के जीवन में क्या असर डाल रहा है? अगर यीशु आपका भरोसा है तो क्या वह भरोसा आपके जीवन में दिखाई पड़ता है? यह प्रश्न चुभने वाले प्रश्न हैं, परेशान करने वाले हैं, और यह प्रश्न चुनौतीपूर्ण है। पर पौलुस यही नहीं रुकता, वह कहता है कि तू चोरी ना करने का उपदेश देता है पर खुद चोरी करता है, व्यभिचार ना करने का शिक्षा देता है पर खुद व्यभिचार करता है, मूर्ति पूजा से घृणा करता है पर खुद मंदिरों को लूटता है। बहुत आसान है दूसरों को शिक्षा देना पर खुद करना, वही आपके विश्वास का प्रमाण है। आपको लगता है आप चोरी नहीं करते पर क्या सच में? अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपने अपने सारे सॉफ्टवेयर खरीदे हुए हैं? क्या आप डाउनलोड करके फिल्में या गाने नहीं सुनते? किसी की मेहनत का फल बिना मूल्य चुकाए उपभोग करना क्या वो चोरी नहीं है? कहना आसान है व्यभिचार गलत है, पर व्यभिचार भी तो कई प्रकार के होते हैं ना। कई बार हम आंखों से या अपने कानों से या अपने मन में व्यभिचार करते हैं,
हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं, जब हम परमेश्वर का स्थान दूसरी चीजों को देते हैं और हम कहते हैं मूर्ति पूजा पाप है, पर खुद यही अन्य चीजें हमारे जीवन में मूर्ति बन चुकी होती हैं और हमें इस बारे में पता भी नहीं होता। अब पौलुस आप पर या मुझ पर दोष नहीं लगा रहा, पर वह यह कह रहा है कि जरूरत है खुद को ईमानदारी के साथ, कठोरता के साथ जांचने की। खुद के पाप को, खुद की कमियों को, खुद के संघर्षों को देखो, दूसरों पर दोष मत लगाओ, दूसरों पर दोष लगाकर खुद के पापों को मत छिपाओ। मैं आपसे अलग प्रश्न पूछता हूं, आप मुझसे एकमत होंगे कि दूसरों की निंदा करना गलत है। क्या जब आप दूसरों के बारे में बात करते हैं कि आप बिल्कुल भी उनकी निंदा नहीं करते, उनके बारे में आप एक शब्द भी बुरा नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा करके आपको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है आपको? हो सकता है ये आप खुलेआम नहीं करते, हो सकता है यह निंदा प्रार्थना के निवेदन के रूप में आती हो, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर लीजिए, वह मेरी बिल्कुल नहीं सुनता, यहां रुक जाए तो ठीक है। उसके बाद 10 उदाहरण देंगे आप कि कैसे आपके बच्चे ने आपके नाक में दम कर रखा, कितना नालायक बच्चा है, आप कितने परेशान है उससे। क्या प्रार्थना का निवेदन निंदा में तब्दील नहीं हो गया? या फिर क्या आप दूसरे मजहब के लोगों को किसी, आप उसको उनको हीन नजरों से देखते हो? आप किसी को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वह किसी अन्य धर्म से है या उसकी मान्यता आपसे अलग है? यीशु ने इस बारे में मती में पर्वत उपदेश में कहा, दूसरे की आंख से तिनका निकालने से पहले खुद की आंख में पड़े लठ को तो देखो, पहले उसको निकालो, उसके बाद ही आप दूसरों की आंख से तिनका भी निकाल पाओगे। रोमियो के 2 ये अंतिम आयतें हमें याद दिलाती हैं, दूसरों पर दोष लगाने से पहले हमें अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है। दूसरा एक और प्रश्न है रोमियो 2 के अंत में, क्या आपने विश्वास के भीतरी आश्वासन का स्थान बाहरी चिन्हों और प्रतीकों को दे दिया है ताकि आपके अच्छे और धार्मिक काम लोगों को नजर आए? रोमियो 2:25-29 आयत में पौलुस कहता है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिना खतना के दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहे, यदि वे व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, न वह खतना है जो प्रकट में और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अब आप पूछ रहे होंगे कि बाइबल नए नियम में खतने के बारे में इतनी अधिक बात क्यों करती है, विशेषकर इन आयातों में? खैर यह कारण है, यहां कारण है, यह यहूदियों के लिए विश्वास का बाहरी चिन्ह था, पर पौलुस यहां कह रहा है कि पुरानी वाचा में भी इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं था अगर उसका हृदय परमेश्वर से दूर हो गया हो तो। बहुत सारे बाहरी चिन्ह होते हैं हमारे विश्वास के। कोई कह सकता है कि मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है। कोई कहेगा मैं रोज बाइबल पढ़ता हूं, हर रविवार चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, इसलिए मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है। क्या आप जानते हैं कि आप चर्च केवल एक कर्तव्य को पूरा करने के लिए भी जा सकते हैं या फिर दोस्तों से मिलने के लिए भी? आप रोज बाइबल पढ़ सकते हैं, पर हो सकता है वचन आप पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा हो, आपके अंदर कोई बदलाव नहीं ला रहा हो। आपकी प्रार्थनाएं वो रटी रटाई प्रार्थनाएं हो सकती हैं जिसमें न तो आप परमेश्वर से बात कर रहे हो ना उसकी सुन रहे हो। आपने हो सकता है अपने गले में क्रूस लटका रखा हो, या आप टी शर्ट पहनते हो जिसपे लिखा हो आई लव जीसस। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका उसके साथ प्रेम संबंध है। मैं यह नहीं कह रहा कि इन बाहरी चिन्हों का या प्रतीकों का कोई मूल्य नहीं है, पर इसका मूल्य तब है जब वह परमेश्वर के वचन पर आधारित है और आपके हृदय की सच्चाई के साथ वो मेल खाता है। अगर आप मसीह विश्वासियों के इतिहास को उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे गहरे अर्थ वाले चिन्ह है, पर आज उनका कोई भी मतलब नहीं रह गया है और वे केवल बाहरी दिखावा बनकर रह गए हैं। और इन चिन्हों को देखकर हो सकता है लोग आपकी प्रशंसा करें, मनुष्य आपकी प्रशंसा करें, आपको बड़ा अच्छा विश्वासी समझें,
पर क्या परमेश्वर से प्रशंसा प्राप्त करने के योग्य है? यह आयतें हमें मनुष्य की नहीं परमेश्वर की प्रशंसा की चाहत रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कल्पना कीजिए, आप स्वर्ग में खड़े हैं यीशु मसीह के सामने, वे क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया मेरे विश्वास योग्य सेवक, तुमने बहुत बढ़िया किया, तुमने अपने घर के बाहर मेरे नाम का स्टिकर चिपकाया। यीशु ऐसा कहेंगे? मुझे नहीं लगता, और मैं चाहता भी नहीं कि वो ऐसा कहें। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे कहें, बहुत बढ़िया विश्वास योग्य सेवक, तूने विश्वास योग्य रहे उस समय में भी जब कोई देख नहीं रहा था, तुमने प्रेम किया उस समय में भी जब किसी का ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं था, तुम्हारे दिल में मेरी इच्छा को तब करना चाहा जब किसी को मेरी इच्छा की कोई परवाह नहीं थी। आइए परमेश्वर से बात करें, और जब आप प्रार्थना करें तो यीशु से कहिए, यीशु तू प्रेम करता रहा तब भी जब तेरे से कोई भी प्रेम नहीं कर रहा था, तू पिता की इच्छा को पूरा करता रहा पूरी ईमानदारी से जब कोई भी पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, क्षमा कर उन समय के लिए जब मैंने अपने पापों को नज़रअंदाज किया पर दूसरे पर दोष लगाने से नहीं चूका। क्षमा कर उस समय के लिए जब मैंने बाहरी प्रतीकों और चिन्हों को अध्यात्म मान लिया। प्रभु जैसा प्रेम जैसा रिश्ता तेरा पिता के साथ है वैसा मुझे तेरे साथ चाहिए। अपना प्रेम दे, अपनी अपनी ईमानदारी दे, वो अपना जुनून दे कि मैं भी वैसे ही जुनून के साथ दूसरों से प्रेम कर सकूं जैसा कि तूने किया बिना उन पर दोष लगाए। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगले सप्ताह के भक्ति वचन में जरूर जुड़िएगा जब हम रोमियो के तीसरे अध्याय को देखेंगे। रोमियो 3 में एक बहुत ही अच्छा समाचार और कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा समाचार होने वाला है। रोमियो 1 और 2 हमारे पाप और हमारे संघर्ष के बारे में था, पर तीसरे अध्याय के बीच में कुछ बहुत ही बढ़िया है जो आप मिस करना नहीं चाहेंगे। तो अगले संस्करण तक आज्ञा दीजिए, परमेश्वर की महिमा हो।